गुमला श्री राम भक्त हनुमान का जन्म झारखंड राज्य के गुमला जिले से 20 किलोमीटर दूर अंजन धाम में हुआ था। गुमला से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव है, जो जंगल व पहाड़ों से घिरा है। अंजन एक अति प्राचीन धार्मिक स्थल है। यही पहाड़ की चोटी स्थित गुफा में माता अंजनी के गर्भ से भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, जहाँ आज अंजनी माता की प्रस्तर मूर्ति विद्यमान है। अंजनी माता जिस गुफा में रहा करती थी, उसका प्रवेश द्वार एक विशाल चट्टान से बंद था, जिसे एक साल पहले खुदाई कर खोला गया है। कहा जाता है कि गुफा की लंबाई 1500 फीट से अधिक है। इसी गुफा से माता अंजनी खटवा नदी तक जाती थी और स्नान कर लौट आती थी। खटवा नदी में एक अंधेरी सुरंग है जो अंजन गुफा तक जाती है, किंतु किसी का साहस नहीं होता है कि इस सुरंग से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि गुफा के रास्ते खूंखार जानवर व विषैले जीव जंतु घर बनाए हुए है। तो देखिये, बहुत पुराना से तो पुराना है यहाँ अंजन मौजा और सेमाड़ी धरती बोलते हैं। तीस धरती पर लेके देखो मौजा पड़ता है हम लोग का अंजन। अंजन में निवास महदो और पर्वतिन का, यहाँ 360 महदो था, 360 पर्वतिन था, 360 तलाव था। उसमें कोई लोग कोई खेत बना दिए हैं। अभी भी यहाँ देखेंगे तो अभी 6-7 गो अभी तालाब जिंदा उनका है। महुआ का पेड़ भी अभी है, कितना सालों के पुराना पेड़ गिर चुका है। तो यहाँ अंजन माता की आने के बाद में यहाँ कुछ नहीं था, पर जंगल झुंड था। जिसके जिसके जैसे वरदान किया, ऐसे भव सागर पर्व लेके बेड़ा पार किया, वो आदमी को जैसे स्वापन रूप मिल रहा है। वो मने दरस के भी आ रहे हैं, चाहे दूर देश से वो स्वापन मिल के आ रहे हैं, कोई अभी नेट में दे रहे हैं तो नेट दे के आ रहे हैं। तो यहाँ जितना पर्यटन स्थल जो बनाने चाह रहे हैं उतना बना नहीं पा रहे हैं। यहाँ भक्तों की कमी है और सरकौन से जो बार बिजनेस कर रहे हैं उन लोग से भी अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं। अभी रोज़गार थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ देखिए हिमाचल, और यहाँ देखिए बम्बई, मद्रास, आपका देखिए आसाम, आपका मने तिनपुरा तक का आदमी यहाँ आ चुके हैं। यहाँ झारखंड के लोकल, ये तो बनारस से, ये सब तो यहीं के लोकल हैं, झारखंडी के कोने कोने से यहाँ आ चुके हैं। और अभी सरकार लोग भी आए हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी का जन्म स्थान में विकास हो और यहाँ के लोग पलायन न करें और आगे बढ़ें। यहाँ अगर पर्यटन स्थल बन जाए तो यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, यही तो विश्वास करते हैं। यहाँ आते हैं और वादा तो करते हैं, लेकिन वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यही बात है। उन लोग जैसा कह के आते हैं यहाँ कि नहीं कि ऐसा करवाएंगे, करवा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा पा है। कौन वादा किए हैं यहाँ पे? जैसे जस्टिस साहब भी आए थे वो भी किए हैं, फिर द्रौपदी मुर्मू जी भी आए थे वो भी। क्या बोले थे? बोले कि यहाँ विकास होना चाहिए और पर्यटक स्थल बनना चाहिए, यहाँ के लोग को बहुत जरूरी है कि यहाँ के लोग विकास करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।